निडर, कठोर और प्रचंड रूप से प्रतिभाशाली विराट कोहली यकीनन देश के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से भी तुलना की है। एक मजबूत बॉटम हैंड ग्रिप और किसी विशेष क्षेत्र पर गेंद को बिना किसी जोखिम के जमीन के किसी भी हिस्से में गिराने की क्षमता के साथ कोहली ने भारतीय क्रिकेट में अपनी खुद की एक जगह बनाई है। पीछा करने के बादशाह के रूप में उनके कई प्रशंसकों ने उनका नामकरण किया है। कोहली सभी प्रारूपों में एक गहरी कील है। 2008 में मलेशिया में भारत की विजयी विश्व कप अंडर 19 टीम की कप्तानी करने पर कोहली को प्रसिद्धि मिली। उन्हें तुरंत आकर्षक 2020 टूर्नामेंट 2008 में इंडियन टी20 लीग में ले जाया गया और तब से वह बेंगलुरु फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। वह 2012 में टीम के कप्तान भी बने और तब से अब तक बने हुए हैं। पहले संस्करण में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बिना उनके घरेलू फॉर्म ने अभी भी उसी वर्ष श्रीलंका के दौरे पर भारत ओडीआई कैच जीता। दिल्ली के इस खिलाड़ी को शुरू में बल्लेबाजी लाइनअप में विभिन्न पदों पर तैनात किया गया था, वीरेंद्र सहवाग की जगह एक सलामी बल्लेबाज के रूप में मध्यक्रम में तेजी लाने के लिए। सिर्फ 25 एक दिवसीय पारियों के बाद उन्होंने पहले ही 2 शतकों सहित 9 अर्धशतक जमा कर लिए थे। कोहली ने हमेशा अपने आत्मविश्वास का समर्थन करने में विश्वास किया है और उनके शॉट चयन और फुटवर्क में स्पष्ट आश्वासन के साथ वह शायद ही कभी विदेशों में गेंदबाजी के अनुकूल सतहों पर भी अपनी तकनीक के साथ वांछित पाए गए। एक बार जब कोहली परिपक्वता में बढ़ गए, विशेष रूप से एक दिवसीय मैचों में, लीन पैच ने आंखों की गेंद को पकड़ने वाली निरंतरता के लिए रास्ता बना दिया। आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2010 में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान उन्होंने लगभग 1000 रन बनाए थे। उन्होंने 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले विश्व कप मैच में शतक बनाकर अपने गार्ड को कम नहीं होने दिया और पूरे टूर्नामेंट में सही योगदान दिया। टेस्ट कैप का इंतजार तब खत्म हुआ जब उन्हें 2011 में वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए चुना गया। उनकी सूक्ष्मता का सबसे मजबूत सबूत 2012 की शुरुआत में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गोरों में उनके पहले टर्न के दौरान आया। उन्होंने निडर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जबकि अन्य विफल रहे। उनके प्रयासों का भुगतान किया गया और कोहली को जल्द ही 2012 में एशिया कप से पहले भारतीय टीम की उपकप्तानी सौंपी गई। उन्होंने टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 148 गेंदों पर 183 रन की तूफानी पारी शामिल थी। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ कैरिबियन में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला में पहली बार भारतीय एक दिवसीय टीम की कप्तानी की। एक चोट के बाद एमएस धोनी 3 एक दिवसीय मैचों के लिए बाहर हो गए। इसके बाद उन्होंने जिम्बाब्वे में पूर्ण कप्तानी की सफलता का स्वाद चखा, जहां उन्होंने धोनी की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व किया, जिन्हें आराम दिया गया था और मेजबानों पर 5-0 से क्लीन स्वीप किया था। उन्होंने अपनी टोपी में एक और पंत जोड़ा जब उन्होंने अक्टूबर 2013 में जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 52 गेंदों पर एक भारतीय द्वारा सबसे तेज एक दिवसीय शतक दर्ज किया, जिससे भारत को 360 के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिली। अगले वर्ष कोहली अकेले ही भारत को बांग्लादेश में ICC W20 के फाइनल में ले गए, लेकिन वे आखिरी बाधा में श्रीलंका के खिलाफ हार गए। अगले कुछ महीने कोहली के लिए काफी कुछ सीखने वाले साबित होंगे, जो इंग्लैंड की स्विंग होती परिस्थितियों में कमजोर पाए गए थे। जेम्स एंडरसन उनके उत्पीड़क थे क्योंकि उन्होंने कोहली के ऑफ स्टंप के बाहर एक अलग कमजोरी उजागर की थी। वह शर्मिंदा था लेकिन टेस्ट टीम का हिस्सा बना रहा। नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में कोहली ने भारत को लंकावासियों को 5-0 से रौंदने का नेतृत्व किया, जिससे वह पहले भारतीय कप्तान बन गए जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में घर और बाहर 5-0 की सफेदी को प्रभावित किया। दिसंबर 2014 में कोहली को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के लिए टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन दोनों पारियों में शतक बनाने के बावजूद हार गए। 30 दिसंबर 2014 को MCG में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए तीसरे टेस्ट को बचाने के बाद भारतीय कप्तान एमएस धोनी ने बहुत अधिक तनाव का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से टेस्ट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। चौथे और अंतिम मैच के लिए विराट कोहली को कमान सौंपी। टेस्ट मैच कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर शानदार स्कोर बनाकर इंग्लैंड दौरे की अपनी निराशा को समाप्त कर दिया, जिससे उनकी कक्षा और तकनीक के संदेह लंबे समय तक बने रहे। वर्ष 2016 कुछ दूरी तक कोहली के लिए सबसे अच्छा चरण साबित हुआ क्योंकि उन्होंने सभी प्रारूपों में रनों की लूट की और उनकी निरंतरता पागलपन के स्तर तक पहुंच गई। उन्होंने 40 पारियों में 7 शतकों और 13 अर्धशतकों की मदद से 86.50 की शानदार औसत से 2500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। इसमें 2016 विश्व T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार शामिल था, जहां भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके अलावा उन्होंने इंडियन T20 लीग में अविश्वसनीय 4 शतकों के साथ 900 रन भी बनाए। 2016-17 सीजन के दौरान कोहली महान सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक दर्ज करने वाले पहले बल्लेबाज बने। दोनों ने लगातार 3 सीरीज में ऐसा किया था। उनके कारनामों ने दुनिया को दिखाया कि वह बिना पसीना बहाए सभी प्रारूपों में एक साथ हावी हो सकते हैं। दो हजार 16-17 के एक स्वप्निल सत्र के बाद विराट ने 2018 के शुरुआती भाग में दक्षिण अफ्रीका के दौरे में अपनी फॉर्म को आगे बढ़ाया। हालांकि भारत श्रृंखला 2-1 से हार गया, सेंचुरियन में दूसरे टेस्ट में उनके 153 रन ने विदेशी परिस्थितियों में एक बार फिर अपनी क्षमता साबित कर दी। उन्होंने सीमित ओवरों के प्रारूप में श्रृंखला जीत के लिए भी अपना पक्ष रखा, जो दक्षिण अफ्रीका में भारत के लिए पहली बार था।
दिल्ली का बालक एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला बन गया जब वह अपनी 205वीं पारी में रिकॉर्ड धारक और हमवतन सचिन तेंदुलकर को पछाड़कर पहुंचा, जिसने 259 पारियों में ऐसा किया था। हालांकि यह सभी व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं रही हैं, उनकी कप्तानी में राष्ट्रीय टीम ने काफी तरक्की की है। उन्होंने 2019 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया पर टेस्ट सीरीज जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय टीम बनकर इतिहास रच लिया। विराट के पास एक बल्लेबाज के रूप में 2019 विश्व कप का मामूली प्रदर्शन था। उन्होंने लगातार 5 अर्धशतक बनाए, लेकिन यह एक बड़े आश्चर्य के रूप में सामने आया कि उनके कटकाई बल्लेबाज एक भी शतक में परिवर्तित नहीं हुआ। हालांकि उनके नेतृत्व में भारत टूर्नामेंट के ग्रुप चरणों में अंक तालिका में शीर्ष पर रहा, लेकिन उनका अभियान अंततः सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ करीबी हार के बाद समाप्त हो गया। जून 2021 में भारत न्यूजीलैंड से 2021 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गया। नॉकआउट और ICC टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तान के रूप में कोहली की यह तीसरी हार थी। सितंबर 2021 में कोहली ने घोषणा की कि वह 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप के बाद T20 में कप्तानी से हट जाएंगे। दिसंबर 2021 में कोहली को रोहित शर्मा द्वारा भारत के एक दिवसीय कप्तान के रूप में बदल दिया गया, और इसके तुरंत बाद कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान 2-1 से टेस्ट श्रृंखला हार के बाद भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में भी पद छोड़ दिया। उन्होंने 2021 इंडियन T20 लीग के बाद बेंगलुरु की कप्तानी भी छोड़ दी थी। महान खिलाड़ियों से तुलना करने से विराट कोहली कभी भी अपने काम के प्रति नैतिकता नहीं खोते हैं। उनकी उत्कृष्ट फिटनेस और बिना किसी झंझट के सभी प्रारूपों के अनुकूल होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जब तक वह अपने करियर का अंत करते हैं तब तक वह बल्लेबाजी के अधिकांश रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं।